आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपनी डाइजेशन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्मूथ रख सकते हैं, बेटर रख सकते हैं, सिंस इट्स सेड कि डाइजेशन ठीक नहीं है तो आप अपने फिटनेस गोल्स अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकते, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी फिटनेस गोल्स की, आपका मूड स्विंग्स रहेंगे एंड बहुत बहुत सी चीजें हैं जो आपको परेशान करेंगी। तो डाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी स्मूथ रहे। तो चलिए सबसे पहले स्टडी करते हैं हम वो चार फैक्टर्स जो मैंने निकाले हैं जो एक बेसिक टिप्स पे होने चाहिए जब भी आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम फील होनी शुरू हो। नंबर वन इज हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में हो जाती है कुछ फैक्टर्स से, कुछ गलतियां भी हो सकते हैं हम करते हो। पहला रीजन तो यही होता है कि हम अपने दिन की वाटर इनटेक बहुत कम रख रहे हैं, बहुत ज्यादा कम, जैसे कि 1 लीटर और मुश्किल से कहीं जाके आप 2 लीटर्स पी रहे हो। 2 to 3 लीटर्स मिनिमम आप टारगेट करो कि आप पी पाओ। दूसरा, हम बहुत ज्यादा गर्म पानी पी लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा गर्म चाय कॉफी, वो हमारे इंटेस्टाइन्स को बहुत ड्राई आउट कर देता है और कैफीन तो दैट इज ऑब्वियस करती ही करती है ऑन द टॉप ऑफ इट। तो दूसरा रीजन ये जो और ज्यादा डिहाइड्रेट करता है हमारी बॉडी को, इसको आप सॉल्व कर सकते हो डिहाइड्रेशन को कैसे। मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो 1 लीटर वाटर टारगेट करो कि आप पी सको, जरूरी नहीं एक ही बार में पी लो, पर हाँ 1 लीटर का आप अपना वो रखो, मेजर्ड आपकी बॉटल हो जिसमें आपने आपका टारगेट हो मैंने कंप्लीट करना है मॉर्निंग में इसको, चाहे मैं 1/2 लीटर करके या फिर 1/4 करके पी लूँ। उसके अंदर आपने मिक्स करना है वॉर्म वाटर। नाउ विद वॉर्म वाटर आई मीन कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, जो हम पी सकते हो, जिसे हम कह देते हैं कोसा कोसा सा पानी, उसके अंदर हम लेमन मिक्स करेंगे 1 लेमन और हनी मिक्स करेंगे। और अगर आपकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही ड्राई आउट रहती है, बहुत ज़्यादा ही कॉन्स्टिपेटेड रहते हो, तो आप थोड़ा सा उसमें गून गतीरा भी मिक्स कर सकते हो जो कि बॉटल में जाके थोड़े टाइम बाद अपना स्वेल आउट हो जाएगा और वो आप जब इनटेक कर लोगे पानी के साथ ही आपकी बॉडी में जाके वो ड्राई जो चीज़ है उसको हेल्प करेगा हाइड्रेट करने में। तो ये चीज़ें आपने ऐड की। अब लेमन का क्या एडवांटेज है, लेमन जो है एक तो आपको हेल्प करेगा उस चीज़ में आपको हाइड्रेट किया, दूसरा इसमें कुछ एसिड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके आपके डाइजेस्टिव फ्लूइड क्रिएट करते हैं, डाइजेशन को और ज़्यादा ईज करते हैं। कैसे, कि ये जो फूड को ब्रेक डाउन करने में और ज़्यादा हेल्प करता है लेमन। विटामिन सी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है लेमन की, विटामिन सी की वजह से भी आपको इम्यूनिटी भी ज़्यादा मिलती है और आप अपनी जो डे है उसको बहुत रिफ्रेशिंग डे में स्टार्ट कर पाते हो। बस एक चीज़ का लेमन में आपने ध्यान रखना है कि आप हनी भी साथ में मिक्स करो ताकि जो उसका खटास है, जो वो चीज़ आपके थ्रोट को अफेक्ट ना कर पाए, वो फ्लेवर आप बैलेंस करके लो। सेकेंड पॉइंट है लुब्रिकेशन। आप खुद इमेजिन करो अगर कुछ ड्राई हो जाता है तो हम अगर उसको कुछ ऑयली देते हैं, कुछ अच्छे एक तरह की ग्रीस मिलती है जब उसको, तो वो स्मूथ हो जाता है। सो ऐसा ही हमारी बॉडी में भी अप्लाई होता है। लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड हमारे हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, चाहे डाइजेशन हो चाहे जॉइंट्स हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऐसा सोचें कि हम अपनी डाइट में से कम्प्लीटली ख़त्म कर दें ऑयल्स, हेल्दी ऑयल्स, तो वो आपकी बॉडी को बहुत अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो। नंबर 1, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। 1 स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का अगर आप उसी मॉर्निंग ड्रिंक में जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट में बताई थी अगर आप ऐड कर लेते हो एज इट इज, कुछ नहीं बस उसी पानी में 1 स्पून आपने ऐड कर लिया, तो आपकी जो है और ज़्यादा बेटर बॉयल मूवमेंट हो पाएगी और आपका स्टमक क्लीन होने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा, देसी घी। देसी घी ऐसा नहीं है आपको फैट लाके देगा, अगर आप अच्छी क्वांटिटी में, मतलब उतनी ही क्वांटिटी लेते हो प्लस उसको बिना तले खा रहे हो, एक तो होता है हम परांठे पे उसको डाल के तलते हैं,
आप नॉर्मली अगर उसे खा रहे हो तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है. 1 स्पून ऑफ देसी घी अगर आप रात को वार्म मिल्क में डाल के उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल के लेते हो तो आपके जॉइंट्स भी हेल्दी रहेंगे, आपकी एनर्जी भी आपको हमेशा बेस्ट लगेगी जब आप मॉर्निंग में उठोगे, और अदरवाइज भी इसके डाइजेशन में तो बेनिफिट्स हैं ही हैं. तीसरा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जब आप यूज करते हो अपनी कुकिंग में तो आप यही ऑयल यूज करो, आपको बेनिफिट देगा. जितना हो सके उतनी रिफाइंड चीजें आप अवॉइड करो और एक्स्ट्रा वर्जिन रखो जब भी आप यूज कर रहे हो तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हम रिफाइन करते हैं चीज़ों को उतनी उसके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ने लग जाता है और उसकी गुड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉपर्टी खराब होने लग जाती है. अगर हम बात करें एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और देसी घी, तो ये तीनों जो हैं आपको गुड फैट्स ही देंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल ही देंगे. और आपको मैं बता दूं कि गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को काटता है, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चीज़ से. मैं इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. जिन लोगों को इस चीज़ पे डाउट आता होगा कि क्या हम ये लेंगे तो हमें फैट नहीं आ जाएगा, तो उसके लिए आई विल क्लियर आउट इन डिटेल. थर्ड पॉइंट इज फाइबर. फाइबर जो है हमारी जो स्टूल है उसको बल्क देता है ताकि उसकी जो मूवमेंट है वो इजीली हो सके, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लेना. जो हमारे प्रोसेस फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं और जितना भी नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, इसमें डाइटरी फाइबर बहुत कम होता है, होता ही नहीं है, आप ऐसा सोच लो. तो आप इसे अवॉइड करो, स्पेशली जब आपकी डाइजेशन ऑलरेडी मेस्ड अप हो. और आप पूरा कर सकते हो इसको सैलड्स के साथ, फ्रूट्स के साथ, और अगर मैं बात करूँ वैसे तो ओट्स इंक्लूड करो अपनी मील में. होल व्हीट बहुत अच्छा है. तो ऐसी कुछ ऑप्शन हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं कि आप अपनी जो बॉल मूवमेंट है उसमें उसकी ईज इंक्रीज करो और उसमें बल्क आए स्टूल में ताकि वो और स्मूथली पास आउट हो सके. बट एक चीज़ है, अगर आप फाइबर इनटेक कर रहे हो आपको वाटर इनटेक भी साथ में चाहिए ही चाहिए कि उसको उतना वाटर भी मिल सके जो उसको होल्ड कर सके. तो एक गलती कई बार कर सकते हैं हम लोग कि हम फाइबर ले रहे हैं, बहुत ले रहे हैं, पर उसके साथ हम वाटर इनटेक अपना अच्छा नहीं रख रहे, तो वो चीज़ उसको कंप्लीट नहीं करेगी. तो मतलब अगर मैं बोल रही हूँ 4 पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ऑल टुगेदर ये चारों कंप्लीट होने चाहिए आपके, तभी आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा और आपकी जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी. नाउ 4th पॉइंट इज प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स जो है बहुत ज़रूरी है. उनका काम क्या होता है पहले मैं आपको ये बताती हूँ. उनका काम है, वो गुड बैक्टीरियाज हैं जो हमारे गट के अंदर हमारे हेल्दी रखते हैं हमारे गट को, और जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उसको रहने नहीं देते वहाँ. ये हमें मिल सकते हैं कर्ड से और बटर मिल्क से. अगर आप सोचते हो कि ये कर्ड और बटर मिल्क सर्दियों में नहीं खाई जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट. अगर आप सर्दियों में हो तो प्रेफर करो बटर मिल्क ले लो इन दी आफ्टरनून लंच से पहले, क्योंकि प्रोबायोटिक्स आपके गट हेल्थ को बहुत हेल्दी रखेगा. उसको ठंडा मत पियो बिल्कुल, ठंडा करके नॉर्मल जो उसका टेम्परेचर है उसी पे उसको आप पी सकते हो. एंड इसमें आप थोड़ा सा अगर बटर मिल्क ले रहे हो तो भुना जीरा पाउडर डाल के इट विल बी ग्रेट. तो एक होता है प्रीबायोटिक्स, वो भी हमें साथ में लेने चाहिए. प्रीबायोटिक्स जो होते हैं वो एक तरह के उन गुड बैक्टीरियाज का खाना होता है, ऐसा समझो. तो ये जो प्रीबायोटिक्स है हमें मिलते हैं अनियन, गार्लिक, एप्पल का पील है उसमें भी मिलते हैं, एंड चिक पीज वी ऑल्सो गेट इन दैट. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत मैटर करती हैं कि आपकी गट हेल्थ हेल्दी रहे. तो यही वो 4 पॉइंट्स हैं. 1, हाइड्रेशन. 2, लुब्रिकेशन. 3, फाइबर. और 4 इज प्रोबायोटिक्स. जब भी आपने अपने आप को हेल्दी रखने का सोचना है, आप चाहते हो आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आप एनर्जाइज रहे, तो ये 4 पॉइंट्स रिवाइज कर लेने हैं माइंड में. क्या? हाइड्रेशन, लुब्रिकेशन, फाइबर एंड प्रोबायोटिक्स. हर रोज रिवाइज करने हैं ये, ताकि कोई भी चीज इनमें से आपसे मिस ना हो. और ये प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इसको अगर फॉलो करते रहोगे तो आपको कभी डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं.
तो ऑलवेज लिसन टू योर गट बिकॉज गट इज योर सेकेंड ब्रेन. तब तक के लिए अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और हाँ, अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है इन चीज़ों में भी, कोई भी डाउट आता है, यू आर फ्री टू कमेंट. आप पूछिए मुझसे, आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो. मैं कुछ भी होता है, मेरे लिए आप लोग प्रायोरिटी पर हैं, तो मैं पूरा ट्राई करूँगी, मैं आपको जितना ज़्यादा उसमें हेल्प कर सकूँ मैं करूँ. तो फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.